हेलो एवरीवान वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल आई होप आप सब कैरियर से ओके सो so, आज मैं आप लोगों के साथ ना फ्रीजी एंड डैमेज हेयर के लिए बहुत ही जबरदस्त सा एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा डलता है इसमें मेरे घर पे जो एलोवेरा के प्लांट्स हैं ना बहुत छोटे छोटे से हैं सो हमारी बिल्डिंग के नीचे ही काफी सारे एलोवेरा के प्लांट्स हैं सो बस यहाँ से थोड़ा सा एलोवेरा लेने के लिए आई थी मैं आज सैटरडे है और मॉर्निंग से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है मेरी नन अपनी बेटियों के साथ हमारी तरफ आई हुई है तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा डिफरेंट सा बनाती हो सो मैं बना रही हूँ आलू की कचौरी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी है और हाँ आलू की जगह हम चिकन या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं आटा मैंने लिया है दो कप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला थोड़ा सा सॉल्ट डाला टू टू थ्री टेबल स्पून मैंने ऑयल इसमें डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मैं इसको गूँध रही हूँ कचौरी का जो आटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता और जो नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा गूँते हैं ना उससे थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है और गूँंदना भी ज़्यादा अच्छी तरह पड़ता है हल्का सा मैंने ऊपर ऑयल लगा दिया यहाँ पे और किचन टावल को मैंने वेट किया और उसके ऊपर रख दूंगी तकरीबन दस पंद्रह मिनट के लिए तब तक मैंने जो आलू बॉयल किए थे आलू मैंने रात पटेटो मेर से मैश कर रही हूं। यहां पे टू टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स हाफ टी स्पून जीरा डाला हल्का सा इनको सॉल्टे किया उसके बाद जो आलू मैंने बॉईल किए थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए थे आलू डालने के बाद मुझे लग रहा था कि ऑयल थोड़ा थो सा कम है तो मैंने टू टेबल स्पून मज़ीद इसमें ऐड किया था ऑयल सूखे मसालों में मैंने हाफ टी स्पून चाट मसाला थोड़ी सी हल्दी वन टी स्पून सूखा धनिया वन टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था या वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो जितना आपको पसंद हो एंड पे थोड़ा सा सॉल्ट डाला है सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा पकाया पका भी रही हूँ ताकि जो मसाले हैं ना वो भी थोड़े से पक जाएँ और एंड पे इसमें हरा धनिया मैंने ऐड किया था अभी काफ़ी गर्म है ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद फिर मैं इसको फिलिंग में ऐड करूँगी आटा जो मैंने कवर करके रखा था ना उसको मैं दोबारा से हल्का सा गूँंद रही हूँ ताकि आटे में अच्छी सी एलास्टी आ जाए नॉर्मली जो कचोरियाँ बनती हैं ना वो बनती मैदे के आटे की लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ गंदुम के आटे से और इससे भी बहुत अच्छी बहुत ही क्रिस्पी सी मज़े की बनती है आटा मैंने गूँध लिया था उसके बाद इसके छोटे छोटे से पेड़े बना रही हूँ क्योंकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है इसलिए हाथों पे बहुत स्टिक कर रहा था तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिए ड्राई आटा यूज़ नहीं करना पेड़े वगैरह बनाने के बाद इसको दोबारा से मैंने कवर कर दिया था और कुछ आटा बच गया था क्योंकि मैंने काफ़ी सारा गूँध लिया था तो ये जो आटा है ना इसको मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी ताकि बाद में रोटी वगैरह बनाने के काम आ सके और आलू का जो मैंने मसाला रेडी किया था ना वो भी अच्छे से ठंडा हो गया था तो इनकी छोटी छोटी सी मैंने बॉल्स बना दी हैं एक साथ ही सारी बॉल्स बना दी हैं ताकि जब मैं कचोरियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी ना तब मुझे हर चीज़ के लिए बार बार रुकना ना पड़े तो इस तरह से मैं बना रही हूँ मैंने जो पेड़ा था उसको हाथों से ही थोड़ा सा मैंने उसकी छोटी सी रोटी बना दी थी बेलन यूज़ नहीं करी बट हाथों से ही मैंने बना दिया था और साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखा मैंने और जो स्टफ़िंग है ना वो बहुत अच्छे से कवर करनी है क्योंकि जब हम इसको ऑयल में डालेंगे और उस टाइम पे अगर इसमें होल होगा या स्टफिंग बाहर निकलेगी तब जो कचोरियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा या तो सौगी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्बॉर्व कर लेंगी इनको फ्राई करने के लिए जो ऑयल यूज़ होगा ना वो बिल्कुल हल्का से ही गर्म होना चाहिए मैंने थोड़ा सा आटा डाल के देखा था तो हल्की हल्की सी बबल्स आई थी तो मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है कचोरीों के लिए तो बस मैंने एक एक करके कचोरियाँ यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दी हैं इनको ना पकते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है तकरीबन एक साइड पे दस से पंद्रह मिनट लगते हैं क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा लो होती है तभी ये अंदर से बहुत अच्छी तरह पकती है और बहुत ही क्रिस्पी सी क्रंची सी रेडी होती हैं और बस यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो भी उठ के हैं और बस खेल रहे हैं अपना ये लोग जीनिया लेना बहुत खुश हो जाती हैं जब इनकी कज़न आती है इनके पास मैं काफ़ी लेट भी हो गई थी तो इस वजह से ना साथ मैंने चाय भी रख दिया और एक बैच भी निकाल दिया है इनका शुगर मैंने काफ़ी बड़ा सा फैपन रखा था काफ़ी ऑयल था इसमें स्पेस ज़्यादा थी तो इसलिए एक साथ मैंने पाँच छः कचोरियाँ डाल दी थी और अगर नाश्ते के लिए बना रहे हो ना तो काफ़ी पहले से ही बनाना स्टार्ट करना क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें बनना इतना बनाना इतना मुश्किल नहीं है इसको लेकिन जो पकते हुए टाइम लगता है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे जो पकता है तब बहुत टाइम लग जाता है इस पर तो खैर मैंने एक दो बैच निकाल लिए थे उसके बाद फिर मैंने अभी रखे हुए फ्राई पैन में ताकि वो होते रहें तब तक मैं जो है ना चाय मैंने सर्व कर लिया है हम लोग चाय पियेंगे सारे जीनिया जो है वो दूध पीती है तो उसके लिए मैंने दूध निकाल लिया और लास्ट जब हमारी दावत हुई थी ना तो मैं ये जो डाइनिंग टेबल है यहाँ पे ले आई थी बिल्कुल किचन के सामने ही है ताकि सर्व वगैरह करने में आसानी हो तो मैं उसके बाद इसको वापस लेके ही नहीं गई क्योंकि मुझे इतनी कन्वीनियंट ये जगह लग रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने पहले यहाँ पे क्यों नहीं रखी है टेबल और साथ जो है बस मैंने थोड़ा सा दही वो लिया है उसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया था थोड़ा तो सा सॉल्ट डाल दिया था बस यही रायता मैंने रेडी किया था और प्रॉपर रायता जो है वो इस एच नहीं मैंने बनाया था ये था हमारा ब्रेकफास्ट कचौरियाँ ज़रूर ट्राई करना बहुत मज़े की बनती है क्रिस्पी सी क्रंची सी और बिल्कुल भी सॉगी नहीं बनती नाश्ता वगैरह करने के बाद वारी आती है बर्तन धोने की और बस एज यूजल जो है ना इलियाना खड़ी हुई यहाँ पे इस टाइम पे इसने अपनी पूरी शर्ट के बाजू और जो सामने वाली शर्ट है वो पूरा इसने गीला कर दिया था चेंज वगैरह इसको करवाया और यहाँ पे मैं बस जीनिया को लेके बैठी हूँ इसकी आजकल असिसमेंट चल रही है और हमारे टाइम पे क्या होता था हमें पूरी पूरी बुक या आधी आधी बुक याद करनी पड़ती थी उनके पेपर्स होते थे और इनके लिए इतना ईजी है एक चैप्टर याद करना होता है उसका टेस्ट होता है या दो तीन चैप्टर्स होते हैं उनका पेपर होता है बस उसके बावजूद इतने सारे नखरे बच्चों के मुझे तो जीने को बहुत मुश्किल से लेके बैठना पड़ता है खैर इसको थोड़ा सा मैंने पढ़ाया उसके बाद ये बिज़ी हो गई थी अपने कज़न्स के साथ और बाद में शायद ये लोग पार्क भी चले गए थे पेरेंट्स ना जितना भी इंटरटेन करें बच्चों को बच्चे जो है ना सिर्फ बच्चों के साथ ही इंजॉय करते हैं सो ये बहुत खुश थी क्योंकि ये लोग आई हुई थी इनके साथ खेलने के लिए तो यहाँ पे हम लोग ने तैयारी स्टार्ट की है अचार बनाने की मेरी नंद बहुत अच्छा देसी अचार बनाती है कुछ अरसे पहले जब आई थी तब भी मैंने अचार बनवाया था तो वो ख़त्म हो गया था तो इस दफ़ा जब आई है ना तो मैंने कहा कि दोबारा से अचार बनाएं मेरे लिए सो बस वही हमने वही तैयारी स्टार्ट की है उसी के बनाने और बहुत आसानी से बन जाता है थोड़ी सी मेहनत वाला काम है और गिलगित में ना बिल्कुल इसी तरह से अचार बनाया जाता है बाकी पंजाब में या डिफरेंट एरियाज़ में कैसे बनाते हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सो सबसे पहले तो पानी बॉयल होने के लिए रखा है हमने काफ़ी सारा पानी भरे बर्तन में लेकिन ये बर्तन काफ़ी हमें छोटा हो गया था थोड़ा सा और भी भरा बर्तन होता तो ज़्यादा अच्छा होता सब्जियों में बंद गोभी गाजर और मिर्च ही ली है बंद गोभी के तकरीबन आठ नौ पीसीस काटने हैं बहुत छोटा छोटा बंद गोभी को नहीं करना उसके अलावा गाजर यहाँ पे काट रहे हैं तीन हमने गाजरें ली थी गाजरों को भी थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है और जो ग्रीन चिलीज है ना एक पाव के बराबर ग्रीन चिली ली थी गाजरों को अच्छे से वॉश कर लेना है उसके बाद इसको बॉईल कर लेना है सबसे पहले सबसे पहले इसको डालना है क्योंकि एक तो मोटी भी है मोटी मोटी हमने काटी है ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लगता है तो सबसे पहले हमने गाजरें डाल दी थी यहाँ पे ये बॉयल हो रही है और साथ ही जो बाकी सब्ज़ियाँ हैं ना दोनों बंद गोभी और ग्रीन चिली इसको भी अच्छे से पहले हमने वॉश कर लिया था और वो भी इसमें हम डाल रहे हैं ज़्यादा है ना इसमें ना काफी सारा अदरक लहसन डालता है स्टार्टिंग में हम लोगों ने लहसन काट लिया था लहसन और अदरक दोनों को मैं चॉपर में डाल के चॉप पहने कर लिया था सिंपल इसको कूट भी सकते हैं और जो सब्जियां हमने बॉईल होने के लिए रखी थी ना उसको भी टाइम टू टाइम मिक्स करते रहना है क्योंकि ये ना हो कि जो नीचे वाली सब्जियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तो सॉफ्ट तो हो जाएँ और कुक हो जाएँ और ऊपर वाली जो सब्जियाँ वो बिल्कुल कच्ची रह जाए एक तो बर्तन छोटा सा ना तो हम इसको ज़्यादा मिक्स कर रहे थे कि अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें इक्वली कुक हों और अदरक लहसन जो है ना वो हमने वन कप भर के अदरक लहसन लिया था सब्जियाँ जब अच्छे सा एक बार पानी में बॉयल आ गया था तब हमने सब्जियाँ निकाल दी थी और ऊपर ठंडा पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और जो पतक वो है ना उसको अच्छे से एक एक करके सेपरेट कर लेना है थोड़ी तो देर के लिए इसको हमने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि पानी अच्छे से स्ट्रेन हो जाए प्लीज कहिए अच्छा इस अचार में जो मसाले डलते हैं ना वो साबत साबित नहीं होते बल्कि कूट के डालने होते हैं तो सबसे पहले तो वन टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स लिया है उसको हल्का सा कूट के डाला है उसके अलावा काली मिर्च सौंफ एंड लौंग इन दिनों को मिक्स करके इनको भी कूटा है टू टेबल स्पून ये डाला है वन टेबल स्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया है वन टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च इतनी जो लाल मिर्च है ना बिल्कुल exactly परफेक्ट होती है अचार के लिए वरना बहुत ज़्यादा तीखा जो है ना अचार बन जाता है उसके अलावा बेली एंड इलायची इनको भी कूट लिया था वो इसमें डाल रहे अभी और यहाँ पे जो गरम मसाला है ना वो वन टेबल स्पून डाला था बस यही अचार के मसाले हैं उसके अलावा एंड पे हम लोगों ने सॉल्ट और जो लाल मिर्च होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए वो भी ऐड की थी ऑयल लिया है दो गिलास भर के उसमें पहले तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया फिर जो मसाले सारे जमा किए थे वो इसमें डाले हैं और यहाँ पे फाइव टेबल स्पून सिरका मैं ऐड कर रही हूँ उसके बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है मसालों को और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो इसमें डाल देनी है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है मैं बाजी को कह रही थी कि बस जो ये वुडन स्पून है ना इससे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा आप इसी से ट्राई करें तो वो बेचारी मेरी बात सुन के कर भी रही थी लेकिन फिर कहती है कि नहीं हमारा देसी तरीका बिल्कुल परफेक्ट है हाथों से मैं करूँगी तो हाथों से जो है ना वो उन्होंने फिर किया और वो कह रही थी कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से हर चीज़ पे लगे और यहाँ पे जो कश्मीरी लाल मिर्च की बात करी थी वो डाली थी टू टेबल स्पून और बस अच्छे से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अभी क्योंकि मौसम अच्छा है ठंडा मौसम है तकरीबन 10-15 दिन में यह अचार रेडी हो जाएगा लेकिन जब गर्मियाँ होना तो सात आठ दिन में यह अचार बन जाता है और बन के इतना खट्टा मज़े का रेडी होता है और जैसे आम का अचार होता है ना एक्सट्रीम वाला खट्टा वैसा नहीं होता थोड़ा सा उसे माल टेस्ट होता है और इसको रखना है किसी भी एयर टाइट जार में अच्छे से लिड बंद करना है ताकि एयर बिल्कुल भी अंदर ना जाए और जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है ना उसके लिहाज से अगर बनाएंगे तो तकरीबन टू एंड हाफ जार्स रेडी होंगे अचार के अब मैं आप लोग से जो है ना मिलूंगी इस अचार के साथ तकरीबन नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी थी बन गई कैसे रेडी होता है सो so, यहाँ पे हम लोगों ने लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी है अचार के चक्कर में पता ही नहीं चला टाइम जो है इतनी जल्दी गुजर गया और मुझे लगता है कि अचार अगर कोई अकेला बनता बनाए ना तो अच्छी खासी मेहनत है सब्जियों को पहले काटना उनको बॉईल करना मसाले रेडी करना क्योंकि हम दोनों लगे हुए थे और साथ गपशप भी लगाई हुई थी हम लोगों ने तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला खैर हमारा जो है शुगर है लंच भी रेडी हो गया था और यहाँ पे हम सब मिलके लंच इंजॉय करें अपना सुबह के टाइम पे मैं एलोवेरा लेके आई थी मैंने सोचा था कि ब्रेकफास्ट से पहले जो है ना मास्क वगैरह बना के सर पे लगा लूँगी फिर आराम से घर के काम शाम करूँगी और फिर हेयर वॉश करोगी लेकिन फिर पता नहीं मैं कामों में बिज़ी हो गई भूल गई एलोवेरा के बारे में तो अभी तकरीबन शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ हेयर मास्क मैंने सबसे पहले तो थ्री टेबल चावल इनको मैंने दिन में ही भिगो के रख दिया था पानी के साथ ही मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया और यहाँ पे दो बनानाज़ हैं बनानाज़ जो है ना वो अच्छी तरह से पके होने चाहिए जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ तब भी बालों पे बहुत अच्छा जो है ना रिज़ल्ट देंगे ये तो दो बनानाज़ मैंने लिए हैं एक एलोवेरा लीव पूरा उसका मैं जेल निकाल दिया वो इसमें डाल दिया है ब्लेंडेड ब्लेंडेड जार में और जो चावल हैं वो भी पक गए थे यहाँ पे बॉयल हो गए चावल को भी ना पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया ये जो सारा है ना इसका जो मास्क रेडी होगा वन पर्सन के लिए ज़्यादा होगा सो so, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था कि अगर किसी ने लगाना है तो लगा सकता है सो so, ये जो है ना मास्क जबरदस्त किस्म का मास्क रेडी हो गया चेंज वगैरह मैंने कर लिया ये वाला जो मास्क है ना थोड़ा सा मैसी साए सो कोई पुरानी वॉश करने वाली शर्ट पहन लें और ये जो मास्क है ना हफ्ते में मैं एक दफ़ा लगाती हूँ और इसको लगाने से ना बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है और बालों में जो फ्रीजीनेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है एक टाइम फिर मैंने बाल डाई करवाए थे रेड कलर के मैंने बाल कर दी थी अपने कट डाउन के बाद और मेरे बाल इतने ज़्यादा बिल्कुल डेड जैसे झाड़ियाँ होते हैं ना वैसे हो गए थे और मैं ये मास्क जो है ना तब मैंने हफ्ते में दो तीन दफ़ा लगाना स्टार्ट कर दिया था ये इतना अच्छा यूज़फुल होता है और लगाने से पहले ना आपने लाइक एक दिन पहले हम लोगों ने हेयर वॉश किया और हमारे हाँ बाल बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होने चाहिए बालों को अच्छी तरह मैंने कॉम कर लिया पहले उसके बाद बालों की पार्टीशन की है और उसके बाद जो है ना बालों पे भी अप्लाई कर रही बहुत अच्छे से अप्लाई करना है हमारी एक एक बाल पे ये मास्क हो ज़्यादा ज़्यादा सा मास्क लगाना है लगाने के बाद फिर क्या करना है कि बालों को ना बंद करके कोई शावर कैप ले ले जो शॉपर होता है वो करके ताकि हमारे बालों में थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो दो तीन घंटे के बाद हेयर वॉश कर लेना है और इससे जो है ना रिज़ल्ट बहुत कमाल का मिलता है आप कोई भी होम रेमडी करो या नॉर्मल कोई भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करो बाज़ार के भी आपको मुसलसल करने पड़ते हैं एक दफ़ा या दो दफ़ा करके अब छोड़ दो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता सो खैर ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए हाफिज़